नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है, इस महामंत्र का जप कैसे करेंगे और जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। पंचांग क्या है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कौन सा योग है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ये सारी बातें बताएंगे। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, 12 राशियों के बारे में बताएंगे, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, ये सारी बातें बताऊंगा। गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा, प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में भी बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। अब आइए बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का जो महामंत्र है ओम अन्न लक्ष्मी नमः। ओम अन्न लक्ष्मी नमः, यह महामंत्र बहुत बड़ा महामंत्र है और बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से कभी भी जीवन में आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में धन धान से परिपूर्ण आप रहेंगे और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपका घर वैभव से भरा रहेगा, सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा मिलेगा। इस मंत्र का आप नियमित जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 28 अप्रैल 2023 दिन है शुक्रवार और तिथि है अष्टमी, जो शाम 4:03 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र है जो सुबह 9:52 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष है, शूल योग है। सूर्योदय हो चुका है सुबह 5:43 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:54 पर। चंद्रमा आज रहेगा कर्क राशि में। शुभ समय 11:52 से लेकर 12:45 तक रहेगा। राहु काल है 10:40 से लेकर 12:18 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशा शूल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा है कर्क राशि में। जब चंद्रमा कर्क राशि में अपनी ही राशि पर है तो आज आपको अपनी फर्टाइल आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलें और जो भी प्लान करेंगे वो सफल रहेगा। राहु काल में किसी भी कार्य की शुरुआत न करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि दिशा शूल में यात्रा करने से परहेज करें। शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब आइए बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन पत्रकार बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन नेता बनेगा, किसको सरकार से लाभ मिलेगा, कौन भूमि भवन खरीदेगा, सारी बातें बताऊंगा। आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहेगा, किस रंग के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी, ये भी आपको बताऊंगा और आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है, ये भी बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपका आत्मबल काफी बढ़ा हुआ रहेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वह पूर्ण होगा। महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होगी। आज आपको धन लाभ मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी, नए प्रकार के व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। नौकरी के लिए आज का दिन सर्वाधिक अच्छा है, नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ आज आपका पदोन्नति होने का योग बन रहा है, नई योजनाएं आपकी सफल होगी। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। पिता का सुख मिलेगा, गाड़ी तेज न चलावें और नए प्रकार का कार्य किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ न करें, न कोई लेन देन करें। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आपको ये बरतनी है कि अपने लक्ष्य पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है, भगवान शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और गर्मी का मौसम है, चिड़ियों को दाना पानी जरूर खिलावें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज जो भी एफर्ट करेंगे उसे बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक इच्छाएं पूर्ण होगी। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। बड़ा लाभ होगा। भूमि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें, स्वास्थ्य के रोग और शत्रु को हल्के में न लें और कोई भी नए प्रकार का कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। माली हालत अच्छी होगी। धन दान के क्षेत्र में क्या का प्रयास सार्थक होगा। पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने मन को नियंत्रण में रखें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और सफेद वस्तु का दान करें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।
बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन है, समय अनुकूल है, समय का लाभ उठाइए। समय काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कार्यों को करेंगे, उसके लिए आज को एनालिसिस करना है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, परिवार में शुभ है, मांगलिक कार्य हो सकता है। धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। लेखन कार्य से धन मिलेगा। जब साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, आज आपको बड़ा धन मिलेगा, मान सम्मान पुरस्कार मिलेगा। नए प्रकार की व्यापार खोल सकते हैं, स्टार्टअप इत्यादि खोलने का अवसर मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा। फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेंगे। जब सीए हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आज आपको धन लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। यदि आप विधिवेत्ता है, आज आपको काफी लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी, दूसरों की बातों में ना आवे। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करें, चिड़ियों को दाना पानी दें, गाय को हरा चारा खिलावे, शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, लक मिटरे 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। भाव इस माह के कोई कार्य न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। लाभ होने का समय चल रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। भाई बहनों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। रोग और शत्रु परास्त होंगे। माली हालत सुदृढ़ होगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आयात निर्यात से धन मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। बहनों का सहयोग मिलेगा। किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। किसी उच्च पदाधिकारी के सहयोग से आपकी माली हालत अच्छी होगी और कई तरह के कार्य कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी, एकाग्र होकर कार्य क्षेत्र में लग जाएं। उपाय क्या करना, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, लक्ष्मी तेरे साथ, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको अपने आलस्य का परित्याग करिए, अपने लक्ष्य पर लग जाइए। आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। आज आप कई ऐसे कार्य करेंगे जिसका मनोबल ऊंचा होगा। आपकी योजनाएं आपको सफलता दिलाएगी। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। नए प्रकार के व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। प्रगति का योग बन रहा है। चतुर्दिक विकास से परिवार में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अच्छा है। खेल के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आयात निर्यात से लाभ मिलेगा। खेल के क्षेत्र में आज आपको पुरस्कार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। यदि आप वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, तो कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद की मदद करें और गर्मी का मौसम है, पानी दाना चिड़ियों को जरूर खिलाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते कन्या राशि की। जो कन्या राशि की जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा। आपकी संतानें बहुत अच्छी करेंगी। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। जो विद्यार्थी अपने करियर को लेकर के परेशान है, आज उनका करियर स्टेब्लिश होगा। चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे लॉ के फील्ड में हो, उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। लेखन कार्य से धन मिलेगा। मान सम्मान सुख प्राप्त होगा। भूमि भवन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी जो परेशानियां हैं दूर होंगी। नए तरह के कार्य करेंगे। दूर देश की यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिक विकास होगा और जो आपकी विवाद चल रहा है बहुत दिनों से सॉल्व होगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच से बचें। उपाय क्या करना है, आज गरीबों को भोजन करावें और आज आपको क्या करना है कि चिड़ियों को दाना पानी देना न भूले। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप यशस्वी होंगे। कुल का नाम रोशन करेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। समाज सेवा में रुचि बढ़ेगी। राजनीतिक लाभ मिलेगा। राजनीति में महत्वपूर्ण पद मिलेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, तो आज आपको चतुर्थिक विकास होगा। पुरस्कृत किए जा सकते हैं। अगर आपने कोई पुस्तक लिखा है तो पुस्तक से आपको ख्याति मिलेगी। यदि आप संगीतकार हैं, फिल्मकार हैं, तो आपकी संगीत और फिल्म दोनों हिट हो सकती है। खेल के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नत का योग बन रहा है। समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीतिक लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रहा है। भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। माता पिता से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। रोग और शत्रु को हल्के में न लें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपको बेवजह गुस्सा आता, परेशान हो जाते हैं, तो इसे परेशान ना हो। समय आपका उत्तम चल रहा है। नए व्यापारिक की स्थिति अच्छी होगी। यद्यपि ईंट भट्टे, माइंस, पेट्रोलियम के क्षेत्र में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। मान सम्मान मिलेगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा, आपकी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके जो अपने भाई बहन है, पारिवारिक लोग हैं, उनके बीच में रहेंगे। आज आपको सुख के संसाधनों का वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, सुखी महसूस करेंगे और आज आपका परिवार पूरा आनंदित महसूस करेगा। उद्योग के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। दूर देश की यात्रा हो सकती है। भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। माली हालत सुदृढ़ होगी। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, गरीबों को वस्त्र दान करें और पशु पक्षी को दाना पानी देना न भूले। शुभ अंक 8, शुभ रंग सिंदरी लाल, लक्ष्मीकर 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। आज आपकी पदोन्नत हो सकती है, किताबें लिख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। आज आपका व्यापार बढ़ेगा। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। लेखक है तो आज आपका नाम बढ़ेगा। आज आपको यश पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। देश विदेश की यात्रा हो सकती है। माता का सुख मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पत्नी के सहयोग से आप काफी आगे बढ़ेंगे। पत्नी को नौकरी मिलेगी। पत्नी का जो बहुत दिन से वाद विवाद चला रहा समाप्त होगा। दोनों मिलके कुछ आज अच्छा करने वाले हैं, उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। सावधानी क्या बरतनी है, समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है, माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जप करें कमलगट्टे के माले से और गाय को रोटी गुड़ खिलाना न भूलें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आप वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। वाहन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। नए कार्यों से धन लाभ मिलेगा। शीघ्र निर्णय लेने से बचें, आज आपको नुकसान हो सकता है। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य का योग बन रहा है। परिस्थिति आपके अनुकूल है। जो भी नया तरह का कार्य करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिक विकास होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा। कुछ पुराने शत्रु होंगे जो परास्त होंगे और खडयंत्रकारी विफल रहेंगे। अपने अतिंद्रिय ज्ञान की बात सुने। सावधानी क्या बरतनी, अत्यधिक व्यय करने से बचें। उपाय क्या करना, भगवान शिव की आराधना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी सभी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही है। उत्तरोत्तर विकास होगा। नए प्रकार के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। यदि आप करियर को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश मिल सकता है। करियर को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है। पिता का सुख मिलेगा, माता पिता का लाभ मिलेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। भाग्य आपके अनुकूल है। भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। यदि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, पेट्रोलियम, गैस, ईंधन और केमिकल के फील्ड में कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। उसमें आप भाग्य जमा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही, तो बेवजह विवाद न करें, द्रुत गति की गाड़ी न चलावें, बड़ों की बात सुने और जाने जाने में किसी को कष्ट न दें। सावधानी क्या बरतनी, सोच समझ कर व्यापार करें। उपाय क्या करना, शनिदेव के सामने दीपक जलावें, काली वस्तु का दान करें, चिड़ियों को दाना पानी देना न भूले। शुभ अंक 8, शुभ रंग है काला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मीन राशि की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है और काफी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको लगेगा कि मेरे समय में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसा आपकी फीलिंग होगी। समय अनुकूलता लिए हुए तो समय का सदुपयोग करिए। अपने खर्च पर नियंत्रण करिए। माता पिता की बात सुनिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। सरकार से लाभ मिलेगा। नए व्यापारी की स्थिति अच्छी होगी। नए व्यापार से लाभ मिलेगा। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। दूर देश की यात्रा होगी। आज आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा। स्टार्टअप इत्यादि में अगर व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। किताबें लिख सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में आज कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा कार्य करने की जरूरत है। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। शिक्षा में आज आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, छोटी छोटी बातों से परेशान न हो। उपाय क्या करना, गाय को रोटी गुड़ खिलावें और आज आपको क्या करना है कि चिड़ियों को दाना पानी खिलाना है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की।
गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि यह जो दिन होते हैं पूरे सनातन धर्मों में, अपने भारतीय धर्म ग्रंथों में सातों दिन किसी न किसी देवी देवता के लिए समर्पित है। उसमें जो शुक्रवार है खास तौर से माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन 10 खास ऐसे उपाय करें जिससे धन की जो अधिष्ठाती देवी है माता, जो आपके घर में सुख समृद्धि का वरदान देती है, तो आइए उपाय बताते हैं। सुबह उठते ही क्या करें कि माँ लक्ष्मी को नमन कर सफेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी के श्री स्वरूप और के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें और कमल का फूल अर्पित करें। अगर आप घर से काम पर निकलते हैं तो थोड़ा सा मीठा दही खाकर जरूर निकलें, इससे आपकी चीजें ठीक रहेंगी। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगावें, इससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर डालना न भूलें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा माँ को अर्पित करें। यह सब महालक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है, ऐसा करने से आपके घर में धन धान की स्थिति मजबूत होगी। गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें, ऐसा करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी में मई माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं, इस तरह की आदत धन वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है, ऐसा आप गलती से भी न करें। घर में अस्थाई सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धन हानि हो रही है तो आप वीरवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर और गुलाल पर शुद्ध घी का दो मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। आज मैंने आपको बताया शुक्रवार के दिन खुद छोटे छोटे उपाय, जिसके करने से एक तो आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, घर में सुख समृद्धि यश वैभव बढ़ेगा। कई बार लोग घर खाते समय खाना फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, धन हानि होती है। तो छोटे छोटे उपाय, बड़े कारगर उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि यश वैभव और माता लक्ष्मी की चीर अस्थाई निवास होगा, ऐसा जरूर अजमावें, आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज 28 तारीख, तो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपको प्रगति करे, आगे बढ़े, आपका चतुर्दिक विकास हो, सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके उनका मूलांक एक होता है। जो एक नंबर के लोग होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, किसी के अधीन नहीं रहते, न किसी की बात सुनते, जिनको करना है तो करना है हुक बाय क्रूक। और ये प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजनीति में बड़े पद पर जाते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं और काफी आगे बढ़ते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है, राजा होते हैं, इनको प्रबल राजयोग होता है। देखा जाता है ऐसे लोग काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ष आपके लिए राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, उच्च पद के लिए अच्छा। यदि आप प्रशासनिक तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रशासनिक अधिकारी होने का योग बन रहा है। अगर आप राजनीति में तो उच्च पद प्राप्त करेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे और उत्तरोत्तर विकास होगा। तो देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। यदि आप कोई भी परिश्रम का कार्य करते हैं या इस वर्ष प्रयास करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जनवरी से लेकर के जून तक का कालखंड आपके लिए उत्तरोत्तर सफलता का है, विकास का है, चतुर्दिक विकास होगा, स्वर्णिम होगा, जो प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। घर के लिए अच्छा है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। पुनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कालखंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें उत्तरोत्तर विकास, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि गुस्सा नहीं करना है, अग्रेशन में नहीं रहना है और तानाशाही प्रवृत्ति नहीं अपनानी, इस बात का ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, आप क्या करें कि पूरे वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और श्री सूक्त का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। भाग्य गुरु बसा जितना ही, फिर हम आपसे कल इसी में इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।